देख के। भंडारा जिला अकालग्रस्त नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस करेगी तीव्र आंदोलन। क्या बिग बॉस हाउस में सगाई करेंगी सृष्टि रोंडे? दिल्ली कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष, रेस में सबसे आगे है दिग्गज नेता। भंडारा जिला अकालग्रस्त नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस करेगी तीव्र आंदोलन। राज्य सरकार की ओर से राज्य में 180 तहसीलों को अकाल सदृश घोषित किया गया, लेकिन आरोप है कि धर्म काफी तहसीलों में बारिश का पानी बहुत कम गिरने से धन की फसल बर्बाद हो गई है। खासकर विदर्भ के भंडारा जिले सातों तहसीलों में अकाल का स्थिति होने के बावजूद भी जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। भंडारा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ 3 तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित करें, अन्यथा तीव्र जन आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आइए देखते हमारे भंडारा जिला ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर। उसी में सूख गया और सूखने के बाद पानी दिया जा रहा है तो वो भी पानी हमारा कोई काम का नहीं। ऐसे परिस्थिति में शासन ने भंडारा जिले, संपूर्ण भंडारा जिले को दुष्काल घोषित करना था, परंतु कहीं तो भी यहाँ 3 आमदारों के क्षेत्र है, 3 आमदारों को खुश करने के लिए आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के बस 3 आमदारों के एक एक तालुके उन्होंने घोषित किए। इस बात का हम निषेध करते हैं। हमारे सारे भंडारा जिले का उन्होंने दुष्कालग्रस्त घोषित करके लखांदूर तालुका भी साथ में है, उसमें लखांदूर तालुका को भी समाविष्ट करना चाहिए, यह हमारी मांगनी है। दूसरी आज हमारी एक मांगनी थी, पिछले साल तुड़तुड़ा मावे के लिए जो पैसे गवर्नमेंट ने जाहिर किए और वह पैसे बैंकों के खाते में आके जमा है, तहसीलदारों के पास जमा है, परंतु किसानों को दिए नहीं जा रहे। आपको एक शोकांकिता सरकार की बताई जाए, 5 महीने पहले 4 महीने पहले जब चुनाव था और चुनाव के समय में तत्कालीन जिला अधिकारी रात में 11 बजे ट्रेजरी खोल के लोगों को पैसे जमा करने के लिए कलेक्टर ऑफिस के 2-2, 3-3 गाड़ियां दौड़ के पैसे जमा करने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। ऐसे समय में हमने जाके वहाँ हम गए थे, हमने देखे परिस्थिति, और अब चुनाव चले गया तो 4 महीने हो गए पैसे जमा करने की उनको याद नहीं आ रही है। उसी समय यहाँ के आमदार महोदय वह भी दूसरे दिन गए थे कि तत्काल जमा करो, उसके बाद में 4 महीने से यह क्षेत्र के आमदार भी नहीं दिख रहे जमा करने के लिए, कहाँ गए तो पता नहीं यहाँ के क्षेत्र के आमदारों का। इसीलिए हम सभी का निषेध करते हैं और तत्काल लखांदूर तालुका सह अखा भंडारा जिला दुष्कालग्रस्त घोषित किया जाए और तुड़तुड़ा मावा के पैसे जल्द से जल्द जमा कर दे। और उसी के ऊपर विश्वास रखकर सभी किसान भाइयों ने बहुत आशा के साथ में धान की खेती किया, लेकिन जैसे अभी पोला गया तो पोले से जो बरसात गई तो आज तक के बरसात आई नहीं। और पिछले 1 महीने से आप साकोली तालुका लो या लखांदूर तालुका लो या लखनी लो, कहीं पे भी हर किसान, चाहे भारी धान रहो या हल्के रहो, लेकिन हर किसान ये पानी के लिए दौड़ धूप कर रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जा रहे, कोई आमदार की तरफ जा रहे, लेकिन पानी होना चाहिए इस हट को लेके किसान लोग घूम रहे थे। अभी जब काफ़ी दिनों से, मुझे पिछले 1.5-2 महीने से पानी आया नहीं है, बरसात आई नहीं है, और आज के वक्त में धान की फसल किसान लोगों के हाथ से निकल चुकी है, और ऐसे टाइम पर जब सरकार कुछ तालुकाओं को अकालग्रस्त घोषित करता है, उसमें से अगर लखांदूर, साकोली तालुका, इन तालुकाओं को छोड़ देती है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों का आरोप ऐसा है कि सरकार ने आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रख के ये अकालग्रस्त घोषित कुछ तालुकाओं को किए। अपने जिले के अंदर में 3 आमदार है, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, ये तीनों आमदारों को एक एक तालुका देकर खुश करने का, और हमने तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र के में से एक तालुका को दुष्काल अकालग्रस्त में समाविष्ट करके आप लोगों के साथ न्याय किया, ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र का अगर हम लोग सोचते तो 2 तालुकाओं को इन लोगों ने छोड़ दिया है, जबकि फसल तो यहाँ के भी किसान के लोगों के हाथ से निकल चुकी है। अगर हम लोड शेडिंग का सोचते हैं तो जो पानी जो लोग पंप धारक है, ये पंप धारकों को विद्युत के माध्यम से खेत को पानी मिल जाता था, लेकिन 16 घंटे का लोड शेडिंग इन लोगों ने चालू किया, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन लोगों ने 4 घंटा भी लाइन बढ़ाई नहीं और आखिरी हाथ से फसल निकल चुकी है। ऐसे समय में
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह लाखांदूर तालुका और साकोली तालुका इन लोगों ने अकालग्रस्त के यादी में से निकाल दिया है। और आने वाले टाइम पे किसानों के तरफ से या उनकी भावनाओं को समझते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं इन सभी लोगों की उपस्थिति में इशारा देता हूँ कि हम लोगों को रास्ते पे आए बगैर कोई पर्याय नहीं, और आने वाले टाइम पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर लाखांदूर में और साकोली दोनों तालुकाओं में खड़ा करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि यहाँ के किसानों के तरफ अपेक्षित ख्याल दिया जाए। निषाद बाबू, हम आज पूरे राष्ट्रवादी के युवक कार्यकर्ता को साथ में पकड़ के हमारे साकोली विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय अविनाश भाऊ और ब्राह्मण करीन के नेतृत्व में हमने आज निवेदन के रूप में तहसीलदार साहब को अल्टीमेटम दे चुके हैं। दो चार दिन में हमें ये किसानों के लिए रिजल्ट ये सरकार दे नहीं पाती है, तो हम जल्दी से जल्दी आज ही नियोजन कर रहे हैं कि ये चार दिन में हमको अल्टीमेटम दिए हुए और आज रिजल्ट देते नहीं, तो हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए रास्ते पर उतरेंगे। और इसका ये महामोर्चा, ये इसके जो भी कुछ उसका परिणाम होगा, इसके पूरे जिम्मेदार ये शासन रहेगा। ये किसान पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे प्रफुल्ल भाई किसानों के लिए काम करते हुए आए हुए हैं, और सामने भी हम लोग किसान के लिए रास्ते पे उतर के किसान को न्याय देने का काम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के कुछ 180 तहसीलों को अकाल सदृश घोषित किया है, लेकिन सही मायने में जिस तालुका में बारिश का पानी बहुत ही कम गिरा वो तालुका को अभी तक के सरकार की ओर से किसी भी तरह से मदद नहीं मिल रही है, उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। जैसे कि भंडारा जिले में केवल 3 तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया, सदृश परिस्थिति घोषित की गई, लेकिन अन्य 4 तहसीलों को अभी तक के अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। इसको लेकर भंडारा जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन छेड़ने की बात की गई है। आज लाखांदूर में राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है जिला अध्यक्ष यशवंत सोनकुसरी जी के नेतृत्व में। साकोली विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादी के प्रमुख जो है अविनाश जी ब्राह्मणकर और लखनऊ तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बालू चुन्ने, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग ली गई, और इस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि लाखांदूर तहसील के साथ साथ पूरे भंडारा जिले के सभी तहसील में अकालग्रस्त घोषित होना चाहिए। ये मांग पुरजोर तरीके से राष्ट्रवादी के नेताओं ने की है। अभी लाखांदूर के तहसीलदार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओर से निवेदन दिया गया है और मांग की गई है कि भंडारा जिले के सभी तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। यदि सरकार ने इन मांगों के तरफ नज़रअंदाज किया तो बहुत ही जल्दी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से भंडारा जिले में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज, भंडारा। बॉस का घर हमेशा से शादी सगाई और लव स्टोरी के लिए चर्च में रहा है। अब घर में कंटेस्ट के रूप में बंद सृष्टि रोंडे की सगाई चर्चा शुरू हो गई है। वह अपने बॉयफ्रेंड मनीष नांदे से पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है। अब घर वालों को इच्छा है कि सृष्टि की सगाई बिग बॉस के घर में ही हो। दिल्ली कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष। रेस में सबसे आगे ये दिग्गज नेता क्या आने वाले समय में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन के अपने पद छोड़ने की खबर सामने आई। हालांकि जल्द ही पार्टी ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।